राजधानी लखनऊ में सोमवार को एसजीपीजीआई के ओल्ड बिल्डिंग स्थित ओटी में भीषण आग लग गई। इस घटना में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस ओटी में आग लगी है वह एंडोक्राइन सर्जरी विभाग की है। वहीं आग की सूचना मिलते ही मौके पर आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान दमकल कर्मियों ने बिल्डिंगों में मौजूद सभी मरीजों और तीमारदारों को एक एक करके बाहर निकाला। निदेशक पीजीआई डॉक्टर आर के धीमन के मुताबिक ओटी वन में मॉनिटर में स्पार्क होने के कारण आग लगी और देखते ही देखते वर्क स्टेशन और पूरी ओटी में आग फैल गई। हालांकि इंस्टेंट फायर सिस्टम तुरंत सक्रिय हो गया। इसके बाद सभी मौजूद लोगों को पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वहीं आग लगने की घटना को डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि आग लगने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा को भेजा गया है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने महिला और बच्चे की मौत होने पर दुख जताया है। अंदर वो भी थे पेशेंट, ऑपरेशन थिएटर में ही आपके पेशेंट भी थे। क्या नाम है उनका? क्या थी? क्या फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे आग लगा उसके बाद डॉक्टर साहब हमारे पिताजी का करके उसका सबको लौटा दिए कल के डेट के लिए। उसके बाद शिफ्ट कराए। उस दौरान क्या चीजें आपको नजर आई? सुन जैसे हुआ कि दो मरीज की मौत की सूचना है, तो क्या वो मरीज अंदर ही थे या बाहर थे? जो अब एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन अंदर थे वो दोनों मरीज, अंदर ही थे। जब घटना घटा तो मुझे शोर सुनाई दिया, मम्मी जब गए फिर मैंने बाहर निकल के देखा, मुझे सारे लोग भागे दिख रहे हैं, मुझे स्मेल दिखा है, स्मेल मैंने धुआं दिखा, फिर स्मेल मैंने स्मेल से मुझे लगा कुछ फायर हुआ है या फिर कोई आग लगने की ऐसा कुछ मुझे पता चला। फिर मम्मी को मैंने देखे बाहर से डरने निकले तो सारे लोग भागे जा रहे हैं कि आग लग रही है, बाहर निकले बाहर निकले सारे लोग बाहर गए। कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनकी मेड वगैरह लग रखी थी, बॉटल हाथ में थे, और कुछ पेशेंट काफ़ी सीरियस थे, और कुछ ऐसे थे जो भी चेयर मतलब क्या कहते हैं ट्रॉली पे ट्रॉली पे तो सारे लोग बाहर निकाला गया, निकले निकाले वो लोग। और अभी माता जी कहाँ है आपको? किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है? हाँ, उनको शिफ्ट कर दिया गया है। सारे वगैरह जो भी चल रहे हैं। आज 18 दिसंबर की दोपहर में थाना पीजीआई पर सूचना प्राप्त हुई कि एसजीपीजीआई के ओटी कॉम्प्लेक्स में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। इस सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड ने मौके पर आकर के आग पर काबू पाया। वर्तमान में आग पर काबू पा लिया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार ओटी कॉम्प्लेक्स के भीतर एक मरीज की इस आग के कारण से जलने से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अन्य व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है, शीघ्र इसमें और अपडेट किया जाएगा। वर्तमान में आग को पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन है। यहां पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग उपलब्ध हैं। लखनऊ में पीजीआई की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आग किन कारणों से लगी, कैसे लगी, पूरी बिंदुवार जांच की जाएगी। प्रमुख सचिव श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा को मौके पर जाने के लिए तत्काल कहा गया है और इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक मरीज की दुखद मृत्यु हुई है इस घटना में। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं और हर स्थिति में इसमें न्याय मिलेगा और जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।